अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बैंगलोर में जॉब्स अवेलेबिलिटी की क्या सिचुएशन है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके 90% के जो है क्वेश्चन यही होता है कि बैंगलोर आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, बैंगलोर यूनिवर्सिटी कैसी है, या उसके अलावा मेनली बैंगलोर में जॉब्स अवेलेबिलिटी कितनी ज़्यादा है। इस वक्त बज रहे हैं 8:30, धूप अभी तक अवेलेबल है। ये मेरे लिए बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज़ है क्योंकि मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है यहाँ पे। ऑलमोस्ट कोई जो है ना, आजकल 10 बजे तक, ये रात के 8:30 बज रहे हैं, ऑलमोस्ट कोई 10 बजे तक जो है मौसम वो कि रोशनी रहती है। तो बात करते हैं अब जॉब्स की, बैंगलोर की में जॉब्स अवेलेबिलिटी पर। बैंगलोर की सिचुएशन ये है कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, इट्स अ स्मॉल टाउन, ये एक यूनिवर्सिटी टाउन है, ये एक सिटी भी नहीं है, इट्स यू कैन से दैट एक छोटा टाउन, जस्ट यूनिवर्सिटी और थोड़ी सी मार्केट, और उसके अलावा थोड़ा बहुत कुछ है, वरना अदरवाइज इट्स नॉट अ बिग सिटी। हाँ, यहाँ से दूर जो है बर्मिंगम है, उसके अलावा मैनचेस्टर है, चेस्टर, लिवरपूल, दिस काइंड ऑफ प्लेसेस जो हैं वो यहाँ पर अवेलेबल हैं। आसपास भी टाउन्स हैं जहाँ पर कभी ना कभी जॉब आपको मिल जाती है। नियरली बैंगलोर जितने भी टाउन्स हैं वहाँ पर स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं और किसी को करीब मिल जाती है, किसी को दूर मिल जाती है। सो इस तरह जो है जॉब्स मिलती हैं। मैंने अपनी पिछली कुछ वीडियोज़ में बैंगलोर की जो हाई स्ट्रीट है वो भी मैंने विजिट करवाई हुई है। बहुत सारे लोगों ने देखा होगा कि कितनी एक हाई स्ट्रीट है, कितनी एक जॉब्स निकलती होंगी। और जॉब्स की मैं बात कर रहा हूँ इस वक्त, तो सिचुएशन ये है कि यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है, आपको एजुकेशन सिस्टम, ईच एंड एवरीथिंग, सब कुछ बहुत अच्छा है, बट इट्स अ स्मॉल टाउन, इसीलिए यहाँ पर जॉब की जो अवेलेबिलिटी है वो कम होती है। तो कोशिश करें, जितने भी लोग बैंगलोर आ रहे हैं आप लोग बैंगलोर में ही रहें और आसपास जॉब ढूंढें, क्योंकि ट्रैवल करके आना भी बहुत मुश्किल काम होता है। अगर तो आप कपल्स आ रहे हैं तो फिर आप एडजस्ट कर सकते हैं कि आपका पार्टनर जो है वो किसी और सिटी में रह सकता है, इस तरह हो सकता है, या अदरवाइज आपके हस्बैंड भी यहाँ पर रह सकते हैं आपके साथ, जॉब जो है यहाँ पर जॉब ढूंढ सकते हैं, ड्राइविंग कर सकते हैं, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, डिलीवरीज कर रहे हैं आते ही। अगर तो आप लोगों का प्लान बहुत स्ट्रांग है कि आपने आना है, आपके पास लाइसेंस है, आपने आते ही गाड़ी ले लेनी है, उसके अलावा डिलीवरीज करनी है, ऊबर चलानी है, ऊबर पर रजिस्टर करवाना है, ये सारा प्रोसेस करना है, तो फिर कुछ ना कुछ हो सकता है। अदरवाइज जहाँ पर जो जैसे आप डिफरेंट ब्रांड्स की बात करेंगे, आपको ब्रांड्स पे पार्ट टाइम जॉब मिल जाएगी, या किसी स्टोर पे या किसी रेस्टोरेंट पे, तो इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट, क्योंकि स्टूडेंट्स को यहाँ पर जॉब बहुत मुश्किल से मिलती है। इवन विद इन माई बिल्डिंग हम लोग कोई 8 से 9 लोग रहते हैं, जिनमें से अब बाकी लोगों को जॉब्स मिलना स्टार्ट हुई हैं, कुछ को नहीं भी मिली स्टिल। वी आर फ्रॉम जनवरी इनटेक, और जनवरी से लोग ट्राई कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ उनको जॉब मिल जाए, बट इट्स अ डिफ़िकल्ट। कहीं पर प्रॉज एंड कॉन्स जो है आपकी सीवीज़ के भी होते हैं, आपकी सीवी भी अच्छी बनी होनी चाहिए। हम लोग जो हैं इनिशियली बहुत सारा एक्सपीरियंस डाल देते हैं, पाकिस्तान में जितना कुछ किया होता है, चाहे बहुत बड़ी कोई पोस्ट पर बैठे होते हैं, वो सारा एक्सपीरियंस डाल देते हैं और जॉब के लिए अप्लाई करने लग जाते हैं। तो ये भी एक जो है वो रॉन्ग साइड होती है कि आप किसी और जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं और इतना सारा एक्सपीरियंस, तो वो ओवर एक्सपीरियंस काउंट हो जाता है। खैर, दिस इज़ अनदर थिंग कि आपको सीवी किस तरह डिज़ाइन करनी है जॉब्स लेने के लिए। बट जितने भी सितंबर इनटेक में स्टूडेंट्स आ रहे हैं, आई वुड सजेस्ट कि इनिशियली आप किसी बड़े सिटीज़ में, किसी मेन सिटी में जाके ना रहें, एटलीस्ट खुद को 1 मंथ का टाइम दें, एटलीस्ट 1 मंथ आप ज़रूर ज़रूर जो है वो बैंगलोर में रहें, ताकि अपनी क्लासेस से हाउ नो हो सके आपको, क्योंकि लास्ट सेमेस्टर में भी क्लासेस की स्ट्रिक्टनेस जो है वो हो गई थी, इन लोगों ने जो है कार्ड्स को स्कैन करना स्टार्ट कर दिया था। नॉर्मली जो है वो एक पिन आता है और वो अपने मोबाइल में लगा के और अटेंडेंस लगानी होती है, बट लास्ट टाइम जो है स्कैनिंग होना स्टार्ट हो गई थी कार्ड्स की, तो उसमें डिफ़िकल्टी होती है कि आप किसी को कह के इस तरह से अटेंडेंस लगा सकें। उसके अलावा अगर आप लकी होंगे तो आपको आसपास या बैंगलोर में ही जॉब मिल जाएगी। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, थोड़ा नहीं, काफ़ी स्ट्रगलिंग होता है, अगर आप आ रहे हैं तो यहाँ पर स्ट्रगल तो आपको करनी पड़ेगी। उसके अलावा ट्रांसपोर्ट का है, आपको अगर दूर जॉब मिलती है तो आपको 14.50 में स्टूडेंट वीकली पास मिल जाता है, जिसपे आप पूरा वीक ट्रैवल कर सकते हैं। अगर आपकी जॉब है 3 दिन शिफ्ट है, 4 दिन है, 5 दिन है, 14.50 में आपका टाइम गुजर सकता है। मीनवाइल जो है दूसरी चीज़, अगर तो आपको 1 से 2 मंथ जॉब नहीं मिलती, आप लोग यूनिवर्सिटी के इन्वायरमेंट से भी यूज टू हो जाएंगे, आपको पता चल जाएगा कि क्लासेस का क्या स्केड्यूल है, किस तरह से अटेंडेंस होती है, क्या
सिस्टम क्या, क्योंकि ऑब्वियसली डिग्री पास करना भी बहुत ज़रूरी है पार्ट आपको इन फ्यूचर पोस्ट ग्रेजुएट वीज़ा लेने के लिए। सो डिग्री पास करना बहुत ज़रूरी है। थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस भी होती है असाइनमेंट्स ये वो, तो लेकिन हो जाती हैं, लोग कर लेते हैं। पहले भी बहुत सारे लोग आए हैं, मैं भी आया हूँ, कई सारे लोग और आएंगे, कर लेंगे। एक चीज़ बुरी हुई है स्टूडेंट्स के लिए जो कि वो ये है कि यहाँ पर आपका जो है स्पाउस वीज़ा के मतलब आप अपने पार्टनर को नहीं लेके आ सकते आफ्टर सितंबर लाइक नेक्स्ट जनवरी से। तो ये एक गलत चीज़ हुई है, गलत तो नहीं कह सकते बिकॉज यहाँ पर जो है सिचुएशन कुछ इस तरह से अब हो गई है, क्योंकि जॉब जो है बड़े सिटीज़ में भी नहीं मिल रही, लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, इवन पार्ट टाइम जॉब्स और जॉब्स मतलब जो भी है वो बहुत डिफ़िकल्ट हो गया अब लोगों के लिए। सो मैंने आपको मेनली जो है बैंगर का बता दिया है, बैंगर में जॉब्स नहीं मिलती, अगर तो बहुत लकी हैं, जल्दी आ गए हैं, जल्दी अराइव कर चुके हैं बैंगर में सितंबर में जैसे है, तो अगस्त में आ गए हैं स्टार्ट में, पुराने लोग जाएंगे तो एक आधी वैकेंसी होगी, तो आप लकी होंगे तो आपको जो है मिल जाएगी जॉब, अदरवाइज नियर बाय एरियाज़ में आपको जॉब्स मिल जाती हैं, बट आपको ट्रैवल करना पड़ता है, एक घंटा, डेढ़ घंटा, दो घंटा, मोस्ट ऑफ द टाइम तीन तीन घंटे भी आपको ट्रैवल करना पड़ता है अपनी जॉब के लिए फॉर वन साइड। आप लोगों ने अगर बैंगर आना है तो आपने लॉन्ग टर्म रेजिडेंस कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना, आपने रूम नहीं लेना लॉन्ग टर्म के लिए कि आप बाउंड होके रह जाएं बैंगर में। आपने आना है, आप अकोमोडेशन लें, एक महीने के लिए लें, दो महीने के लिए लें, उसके बाद जहाँ पर आपकी जॉब होगी वहाँ पर आप मूव कर जाएं और वहाँ से आप अपनी क्लासेस लेने के लिए आते रहें। तो ये थी आज की वीडियो, मैंने आई विश के बहुत सारे लोगों के डाउट्स जो हैं कुछ ना कुछ हद तक, इवन बहुत हद तक क्लियर कर दिए होंगे। और मीनवाइल बहुत सारे लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर रहे हैं, मैसेजेस कर रहे हैं, तो जिसने अभी तक फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लें, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम मैं यहाँ पर वहाँ पर स्टोरीज़ जो है वो डालता रहता हूँ। उसके अलावा जितने भी आपके क्वेश्चंस के आंसर हैं ऑलमोस्ट 100% जितने भी होते हैं मैं सबके आंसर्स कर देता हूँ, तो कोई ऐसा नहीं होता कि जिसको मैं आंसर ना करूँ। हाँ अगर तो बहुत वो कर रहा है, यू नो पिंच कर रहा है कि भाई बता ही दो कि कहाँ पर हैं, तो ये आप लोगों का अपना फैसला है, क्योंकि मैं इस चीज़ को नहीं कर सकता कि भाई आप आओ यहाँ रहो ये करो वो करो। आई जस्ट शेयर माई ओन एक्सपीरियंस, उस एक्सपीरियंस के मुताबिक आप अपना जो है प्लान कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो, टिल देन नेक्स्ट टेक केयर। और हाँ जी, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बहुत सारे लोग नए भी आए हैं, आते हैं लोग जो वीडियो देखते हैं चले जाते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। और इंशाल्लाह आई एम ट्राइंग माई बेस्ट के मैं एज मच एज आई कैन वीडियोज अपलोड कर दूँ और ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अपलोड करूँ। टिल देन नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।